तो गाइज नवरात्र के पहले दिन नैना माता हमारे घर में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फ्रेम मेरा भाई लेके आया मेरे लिए नैनीताल से। ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट है, दीदी ने दी है। आज मैं हूं दीदी भगवान। माय यूट्यूब चैनल गाइज, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कड़ी चावल नहीं बना रही मैं आज। मैं भटकी चटकानी और भर बना रही हूँ जो कि मैंने रख दिया है, और मैं आज बनाने वाली हूँ चूक। तो मैंने यहाँ पे नमक पीस दिया गाइस, तो नमक में मैंने क्या क्या डाला वो मेरे मिनी व्लॉग में देखना क्योंकि मिनी व्लॉग आ गया है गाइस। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, धूप देखो और छाया आने लगी यहाँ पे। तक मम्मी के पुराने शौक से ये मांस है, तो अब मैं बनाती हूँ चूक गाइज। और मेरा इतना मन कर रहा है ना, आज नवरात्रि है, नवरात्रि के पहले दिन ही अपना फेवरेट काम कर रही हूँ मैं, चूक खा रही हूँ। तो शायद ठंडे भर चूक ही खाती रहूँगी मैं, और पानी आ रहा है मुँह में। तो गाइज सिलबट्टा धो दिया मैंने, अब मैं बनाऊँगी चूक गाइज। और मतलब मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकती, और सीटी आ गई। और आज मैं बना लूँ घर के चावल, तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को। आज मैंने अपना रूम देखो कुछ चेंज करना है, इसलिए कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं। अलमीरा मैं इस साइड को लगा रही हूँ, और पर्दे लगाने हैं मुझे, और ये फ्रेम भी लगाना है आज। तो आज मेरा रूम ऐसा हो रहा है गाइस, तो अच्छा होगा तब दिखाऊंगी। ये देखो गाइस भटकादार बन रहा है, ये मेरा ना फेवरेट है, और ये इसका कलर इतना प्यारा आ रहा है, ये काला भट्ट इसे सोयाबीन बोलते हैं। घर के चावल बनाने हैं, चावल पूरे बाहर आ गए गाइस। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, अभी चूक बनाने के वक्त गाइज, और चूक दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये दो दाने चूक हैं, तो देखो एक बनाओ या दो समझ में। गाइज आज मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी, और इंस्टा पे लाइव स्ट्रीमिंग करा मैंने, और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट मारा था, तो उनको थोड़ा मैंने सबक सिखाया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे कि रोस्टिंग चैनल खोलो अपना करके, तो इस बारे में थोड़ा सोचूंगी मैं कि रोस्टिंग चैनल खोलना चाहिए या नहीं चाहिए करके। गाइस जी देखो मेरी भटकी दाल कितना प्यारा कलर आया, जो कलर सामने से आया ना वो इसमें नहीं दिख रहा यार। किसे खाना है गाइज, आ जाओ खाने के लिए। तो गैस पूरा गंदा हो गया गाइज, और अम्मा के लिए चाय रखा है, इसके बाद गैस साफ करती हूँ। अब मैं अम्मा को चाय देख के बनाती हूँ अपने लिए चूक, पता नहीं कब आएंगे। पानी आया नहीं है, नींबू के दाने भी दिख रहे थे। जब सर घर होते ना ये फ्रिज फुल होते हैं, खाने की चीज़ें भरी रहती हैं। आजकल कुछ भी नहीं है गाइस खाने के लिए, प्लेट रेडी हो गई है। अम्मा के लिए चाय, गुड़, जो के लिए मैंने गुड़ नहीं खाया, और ये पता नहीं खा रहा है नमक। चाय अब गैस भी बंद कर देती हूँ, नहीं लो फ्लो में ठीक है। हम लो, और अम्मा आ गई है, अरे मम्मी आ गई रह गए। तो अम्मा की आज छुट्टी है स्कूल की, तो अम्मा आज चाय पिएगी, मैं चूक खाऊंगी। अब बनाती मैं चूक, गुड़ काट दिया मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना सामान लेने के लिए रोड में, गाड़ी वाले भैया पहुँचने वाले हैं, तो छोटा वाला छाता लेके जा रहे हैं, नीचे नीचे से होंगी। और मुझे डॉग की डर भी लगती है, कैसे परे ना यहाँ पे, तो डॉग ही नहीं प्लस गाई, मुझे डॉग को देख के बहुत ज़्यादा डर लगती है। और अभी मैं पहुँचने वाली हूँ काली नागदेव जी के मंदिर पे, तो अभी मैं आपको अपने इष्ट देव जी के दर्शन कराती हूँ। तो देखिए गाई जी यहाँ से जाते हैं मंदिर के लिए, जय इष्ट देव जी। और यहाँ से जाऊंगी मैं सामान लेने के लिए अपना, और इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है ना गाइज, वॉइस भी नहीं आ रही होगी। वैसे माइक लेने की सोच रही हूँ मैं, तो माइक भी जल्दी लूँगी। वो भैया अच्छी फलवा पहुँचे, और वो कहाँ है मुझे पता नहीं है, उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम पर पहुँच जाती हूँ मैं रोड में। मैंने सोचा था आज शाम के टाइम पर जा रही हूँ, तो थोड़ा रील बनाऊँगी करके। अब कहाँ से बनाऊँगा इस रील, बारिश आने लगी है। मम्मी भी अभी जंगल ही है, जंगल से नहीं आई है। और ये गोबर गैस गोबर रखने वाला खाली गैस। तो गाइज मम्मी यहाँ गई है थुचकी में, ये यहाँ हुआ थुचकी इस वाले एरिया में, और बारिश देखो। तो गाइज देखो सामान मिल गया मुझे, और मौसम कितना खतरनाक हो रहा है अभी। पहाड़ बहुत प्यारे होते हैं गाइज, लेकिन पहाड़ में जब बारिश वगैरह होता है ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, लैंडस्लाइड होते हैं, नदी इतनी खतरनाक आती है। वो गाड़ी वाले भैया छोड़ के लेके आए मेरा सामान जो जा रहे हैं, तो और
मम्मी अभी जंगल में ही है, पता नहीं कब आते जंगल से। मैंने सोचा था अच्छा रील बनाऊंगी करके, हवा चल रही तो मुझे मज़ा आ रहा। क्यों आ रहा गाइस इतना मज़ा? क्योंकि मेरा सामान आ गया है, ऑनलाइन सामान आया मेरा, कल पहनूंगी। मेरा बर्थडे गिफ्ट भी आया गाइस। तो गाइज ओले भी आने लग गए हैं और मम्मी भी आ गई जंगल से। अम्मा बैठी है, अम्मा का चार्जर कितने दिन से थल में ही है है नहीं है पता नहीं। मनु भैया नहीं आ दे रहे मेरा फ्रेम लगाने के लिए भी, थल में हुआ याद है ना दोनों काम भूल जान वाले काम काम भी है भूल जान वाले क्या ना और ओले गिरने लगा है जिसमें मेरे गर्म कपड़े हैं। अरे ये भगवान है मूर्ति, ये बता रहा हूँ। और इसमें नैना देवी मंदिर का ये भैया लेके आए। तो गाय जय पण वाला मिल गया है, जय नीम खरोली बाबा जी। ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट है, दीदी ने दी है। आज मैं हूँ दीदी भगवान है मूर्ति। तो गाइज अभी मेरा ट्राइपॉड आया है तो इसे से मैं वीडियो बना रही हूँ। और लाइट नहीं, आपको पता है लाइट वगैरह है नहीं। और जो मैंने रिंग ये ट्राइपॉड है ना इसी में लाइटिंग है तो अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। मतलब पास से वीडियो वगैरह बनाने के लिए ठीक है, ओके ओके। सो गाइज आज मैंने पहना मम्मी का स्वेटर और आपको यकीन हो रहा है मैं बना रही हूँ ट्राईपॉड से जो मैंने मंगाया था मीशो से। और गाइज इसमें ना लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ताऊ के लिए चाय बना रही हूँ तो मैंने सोचा इसका टेस्ट भी कर लेती हूँ करके कि ये कैसा है करके। अभी तो मेरे हाथ में ये भी है बट इसकी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइज, अच्छा लग रहा है मुझे। और चाय भी उबल गई है तो चार्जिंग वाला है गाइज, इसका रिव्यू दूंगी मैं आप लोगों को। तो गाइज अभी मैंने ताऊ जी को चाय दे दिया है, ताऊ दिखने भी दिखने पता नहीं ओ। और यहाँ पे हम लोगों ने दो रखे है, और यहाँ पे रखा है मैंने दो, इसमें ना कद्दू की सब्जी भी मिक्स कर रखा है। अच्छा खाना देते हैं हम लोग पशुओं को भी, इसमें तीन चार चीज़ें मिक्स करते हैं हम लोग, आटा चावल और सब्जी और एक और कुछ होता है चारा ही, वो मिक्स करते हैं। ये जाओ करी लाइट ने? और इससे ट्राईपॉड से ना बहुत लाइट आ रही है, अच्छी लाइटिंग हो रही है इससे। गाइस अभी हम लोग लगा रहे हैं टीका तो गाइज आज हमने मड़वा की रोटी बनाई है और ये नया फसल है मतलब इसी बार की खेती है और हम लोगों ने बना भी दिया सुखा के और घी लगा दिया इसमें मम्मी और मैंने बनाया। अब गर्म पानी रखा है इसमें, पहाड़ों में ना बहुत फायदा होता है चूल्हे में बैठ के, ठंडा भी भाग जाता है काम भी हो जाते हैं। गर्म पानी भी गर्म पानी भी रख दिया तो भी बना दिया। अब हम नमक के साथ खाएंगे आज, नमक मट्ठा और दही के साथ। सो अभी हम लोग खा रहे हैं मड़वा की रोटी और नमक के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं इसके साथ मट्ठा, तो खा के मिलती हूँ मैं। बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा जिसे भी मड़वा चाहिए गाइस कॉन्टेक्ट करना, बिल्कुल भी मड़वा नहीं है। I found a picture we took many years ago.